छुटपन से मैं संगीत सीखता ही जा रहा हूँ। अभी तक भी कुछ भी नहीं सीखा, मगर जिन जिन से जो भी कुछ सीखा वो सब मेरे गुरु है। बहुत ही प्यार की संपर्क है, बहुत ही गहरा संपर्क है, इसे डीप रिलेशनशिप व्हिच इज़ नॉट रियली एक्सप्रेसिबल, बताया नहीं जा सकता है कि क्या क्या मैंने उनसे सीखा। पहले सीखा कि गुरु पे समर्पण होना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान से ज्ञान तक जो जर्नी है, अंधेरा से रोशनी तक जो हम चलते हैं, रोशनी को देखने के लिए धीरे धीरे आगे चलते हैं, जो ये ज्ञान अंदर में देते हैं कि क्या अंधेरा है क्या रोशनी है, वही मेरे गुरु है। तो एज यूजुअली माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट गुरु, ऑफ कोर्स माई मादर इज़ माई फर्स्ट गुरु, बिकॉज मैं सबसे पहले जिनको देखा, जिनको पहचाना, जिनके साथ मैं सांस लेना सीखा, वो है मेरे माता जी, मेरे माँ। मेरे दो माँ थे, क्योंकि माई फादर फर्स्ट मैरिज वॉज विथ माई माँ श्रीमती महामाया देवी, मगर उनका कोई इशू नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए हमारे दादाजी बाबा के साथ मेरे माँ के जो थर्ड बहन है श्रीमती जयंती चक्रवर्ती, ये दोनों मेरे माँ है, उनके जीवन से मैं रोशनी देखना सीखा। तो पहला गुरु तो है, उसके बाद मेरे पिताजी। जहाँ तक संगीत की सवाल है, सबसे पहले मैं सीखना शुरू किया मेरे पिताजी से, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किस किस अवस्था से मैं आज तक आया हूँ, तो वो तो आपको मालूम ही हो गया होगा, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। तो बाबा से पहली दफ़े हम जब गाना सीखने बैठे तो मेरा उम्र था ओनली 2 ईयर्स, 2 साल उम्र में मैं गाना सीखना शुरू किया, और पिताजी एक्सपेरिमेंट करते थे कि ये 2 साल की बच्चा कितना सीख सकता है। तो मैं धीरे धीरे आवाज़ को समझने लगा कि सा रे, ये जो फ़र्क है ये सबसे पहले अज्ञान से ज्ञान तक जाना है, जर्नी है, कि एक चीज़ मालूम नहीं था कि ये सा, इसको सा बोलना पड़ता है, इसके बाद धीरे धीरे रे, फिर 7 सुर सीख सकते हैं, सीखते हैं हम। तो बाबा से पहला सारेगामा मेरे गले पे बैठा, और इतना प्यार से मेरे पिताजी सिखाते थे, बहुत ही सख्त भी थे, बहुत ही हार्ड भी थे, ही वॉज़ वेरी सीरियस, मगर जब मुझे बुलाते थे बाबा इधर आओ गाओ मेरे साथ, तो गाओ क्या गाना उसका मतलब भी मालूम नहीं था, मगर मैं बाबा को जब मैं पहचान सके तब मैं बाबा को देखा कि बाबा हर रोज़ हारमोनियम लेके बैठते थे और गाते थे, बहुत ही सुंदर आवाज़ था बाबा का, इतना मेलोडियस आवाज़ था कि सब लोग, पुराने लोगों से मैं सुना कि बाबा जब गाते थे तो एवरीबॉडी यूज़ टू फील कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहा है। मृणालकांति घोष, जगन्मय मित्र, इन लोगों का गाना बाबा गाते थे, जो कि जगमोहन करके बाद में जिनका फिल्म में नाम हुआ था,
तो बाबा बहुत अच्छा गाते थे, ज़्यादातर भक्ति गीति, श्यामा संगीत, फिर कीर्तन, फिर अलग अलग भजन, थोड़ा थोड़ा राग संगीत भी गाते थे, मगर बहुत अच्छी तरह उनको सीखना नहीं मिला। दैट इज़ ऑल्सो नोन टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग ही हैड टू फेस जस्ट टू बिकम ए म्यूजिशियन। वो बांग्लादेश छोड़कर आए थे, आपको मालूम है। तो बाबा मेरे पहले गुरु है, और बाबा के साथ मैं हारमोनियम पे चढ़ बैठता था कि बैठ के हम देखते थे कि हारमोनियम क्या है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ है लकड़ी में। एक मेहगनी ऊट का कलर मैं पहले देखा कि ब्लैकिश कलर है, इसके ऊपर चढ़ बैठते थे और बाबा मुझे बोलते थे हाँ बजाओ करो। तो फिर धीरे धीरे मैं सफ़ेद कुछ रीड्स और ब्लैक कुछ रीड्स जो बजता था, ये मैं पहले पहचाना कि सफ़ेद क्या है और ब्लैक क्या है, ब्लैक एंड वाइट। वी स्टार्ट लर्निंग इन ब्लैक एंड वाइट, जो कि हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम सीख सकते हैं। इंडिया में गाना सीखने का पहला दिन किसी को सा रे गा मा पा धा नि सा सीखना पड़ता है। तो सा रे गा मा पा धा नि सा, ये मेरे पिताजी से सीखा, स्वर को पहचाना। और प्यार बहुत मिला बाबा से, मगर बाद में वो बहुत सीरियस हो गए थे, वो मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा।